बच्चों, परिष्कृत हिंदी आसुलिपि मॉडिफाइड हिंदी शॉर्ट हैंड अभ्यास 17। आज मैं आपको कन कान कम काम कांग तथा इंग का प्रयोग बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे किसी भी रेखाक्षर के प्रारंभ में कन काम की अगर ध्वनि आती है तो हम एक हल्की सी बिंदी से उसके प्रारंभ में बिंदी लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए काम रूप, अब ये शुरू में साउंड आ रही है काम की, तो हम आउटलाइन बनाएंगे सिर्फ रूप की, इस तरीके से रू, और ये एक बिंदी लगाएंगे, ये कन काम का काम करेगा, काम रू। कम जोर, अब यहाँ शुरू कम आ गया तो सिर्फ जोर लिखाएंगे हम ये, और ये बिंदी लगाएंगे कम की, कम जोर। तो पहले हम कम पढ़ेंगे उसके बाद जोर। कमेटी, ये कमेटी आ गया, बिंदी लगाएंगे कम कम की और टी लगा देंगे। उसी तरीके से कनपट्टी, कन पट्टी, कन की बिंदी और पट्टी। इसे एकदम इस वीडियो में आप इजाफा होगा। कॉन्फ्रेंस, ये कान आ गया, यह मैंने आपको बताया था कन कान के लिए भी कॉन्फ्रेंस, तो हम सिर्फ बनाएंगे आउटलाइन फ्रेंड्स की, इस तरीके से फ्रेंड्स, और ये कन कान की बिंदी लगा देंगे कॉन्फ्रेंस। कंटीला, कन टीला, टी ला, ऊपर लगी कन की बिंदी और नीचे कंटीला। कंजूसी, जूसी बनाएंगे हम सिर्फ जूसी, तो कन की बिंदी और जूसी। उसी तरह कंपोज, कम की बिंदी लगाई, कम पोज, पोज पूरा ही बना सकते हैं, सर्कल सका भी प्रयोग कर सकते हैं, कम पोज। तो ये किसी भी रेखाक्षर के प्रारंभ में हम एक हल्की सी बिंदी लगाते हैं तो कन काम, ये सारे साउंड कन कान कम काम और कांग, कांग्रेस भी लिखेंगे तो काम की बिंदी आ जाएगी। उसी तरीके से दो रेखाक्षर के बीच भी अगर कन काम आता है, जैसे धर्म कांटा, अब इसको बनाएंगे हम ये धर्म, और इसको डिजाइन करेंगे, ये जो डिजाइन करा इसमें कन काम निकलेगा और एक कांटा लगा दिया, धर्म कांटा। तो ये ध्यान रखें जब किसी शब्दों के बीच में डिजाइनिंग करेंगे तो ये डिजाइनिंग के अंदर कम काम निकल जाएगा। जैसे नाकामयाब, ये लिखा ना और ये बनाएगा याप, तो हमने क्या बनाया है यहाँ पर ना याप, ये जो दूरी करी इसमें कम काम निकल जाएगा, तो ना कामयाब। गैर कानूनी, ये गैर लिखा और दूरी करी गैर कानूनी। उसी तरीके से बाल कानून, ये बाल और डिजाइनिंग करा इसको, तो बाल कानून। काला कानून, डिजाइनिंग करते बराबर कन कान निकल जाएगा, काला कानून। एयर कंडीशनर, एयर कन कान डिजाइनिंग करा कंडीशनर, तो ये जो डिजाइनिंग करा इस पर कन कान निकल जाएगा, एयर कंडीशनर। इसी तरीके किसी रेखाक्षर के अंत में एक बिंदी लगाते हैं तो इंग पढ़ सकते हैं। जैसे हमने लिखा जंप, ये जंप, अब अगर इसमें हम यहाँ बिंदी लगाई तो इसमें इंग पढ़ लेंगे, ये अंग्रेजी आउटलाइन की स्टाइल है। अब जैसे हम बहुवचन भी बनाते हैं तो बिंदी लगाते हैं, लेकिन आपको दो बात ध्यान रखना है, ये बिंदी लगी इसे हम इंग पढ़ेंगे, जंपिंग, पंपिंग, लाजिंग, राशनिंग, बोइंग, बो को लाइन को टच करके बो, बोइंग, रनिंग, कोचिंग और पोस्टिंग, इस तरीके से पोस्टिंग लास्ट में इंग पढ़ लें। उसी तरीके से वाक्यांश भी बना सकते हैं हम, जैसे कार्यालय कामकाज, ये कार्यालय लिखा और डिजाइनिंग करके लिख दिया तो कम निकल जाएगा, कार्यालय कामकाज, आपका कामकाज। शासकीय कामकाज, शासकीय कामकाज, सब बनाएंगे इस तरीके से शासकीय कामकाज। कानूनी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, बिंदी लगाए कन कान की। इस तरीके से आप अभ्यास देखें, कमजोरी, कम की बिंदी, कमजोरी, कम नसीब, कम नसीब, काम चोरी, काम काम चोरी सॉरी चोरी काम चोरी। उसी तरह से कन फोड़ा, कन फोड़ा, काम देव, देव के आउटलाइन बनाएंगे, काम देव, काम नाशक,
नासक के आउटलाइन बनाएंगे, काम की बिंदी लग जाएगी, काम नासक कंटीले कन की बिंदी कंटीली कंट्रोल कन की बिंदी कंट्रोल कम सीन सीन बनाएंगे, कम की बिंदी कम सीन रनिंग राश बिंदी कंटक टक बनाया कन की बिंदी लर्निंग लर्निंग काम धाम धाम बनाया सिर्फ काम की बिंदी कंजूस कन की बिंदी कंजूस कंठाग्र कंठाग्र कामयाब काम की बिंदी कानूनन ये नल बना के कानूनन कामरेड काम की बिंदी कामरेड कन खजूरा खजूरा बनाया सिर्फ काम कन खजूरा कन खजूरा कांडला कान की बिंदी कांडला कन कटा कन की बिंदी कटा बनाया सिर्फ कन कटा चिटिंग चिटिंग कन कटी कन की बिंदी लगा के कन कटी कन्यादान या दान कन की बिंदी कन्या दान। तो बच्चों इस तरीके से आप कन काम का ये अभ्यास भी देख लें, इसको अच्छी तरह से तैयार करें और ये ध्यान रखें कि इससे हम बहुत एडवांस आउटलाइन आगे बनाएंगे, तो इसलिए अभी से इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ये एक तरीके से बहुत से बच्चों के लिए नया भी हो सकता है और कुछ पढ़े लिखे हुए होंगे उनके लिए पुराना भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखें कि आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे और इसके उदाहरण भी आप करें। धन्यवाद।